ये धनिया पत्ती की बहुत ही टेस्टी पकौड़ी बनके तैयार है। इसको बनाइए, खाइए, मेरे चैनल पे बने रहिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। पकौड़ी बहुत ही टेस्टी। एक बर्तन में लीजिए बेसन, यह है 2 चम्मच मैदा, एक चम्मच कॉर्नफ्लोर, यह है लहसुन बारीक कुटा हुआ, आप चाहे तो पीस के भी डाल सकते हैं। अब इसमें डालिए नमक, कश्मीरी लाल मिर्च, थोड़ा सा गरम मसाला, हल्दी पाउडर और यह थोड़ा सा मिक्स सब्जी मसाला। सबको अच्छे से मिक्स कीजिए। तो अच्छा से मिला लीजिए। यह है सरसों तेल, सरसों तेल में पकौड़ी बनाइए, बहुत ही टेस्टी लगेगा। यह धनिया की पत्ती धो के साफ किया हुआ, इस तरह से एक गुच्छा पकड़िए और इसको डुबोइए बेसन में अच्छे से। तैयार है, बहुत ही टेस्टी। ये हरी मिर्ची, इसको इस तरह से थोड़ा सा काट लीजिए और आपको जितना भी फ्राई करना हो कर लीजिए। इसको फ्राई करने से थोड़ा सा ध्यान से बनाइए, तेल काफी ज्यादा उछल कूद करता है। अब इसके ऊपर डालिए चाट मसाला, टमाटर सॉस या चटनी, किसी के भी साथ इसको खाइए। चाट मसाला डाल के भी खा सकते हैं, बहुत ही टेस्टी लगेगा ये।
से सभी बना लीजिए।